तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रोज पावर प्रोग्रामिंग और ये वीवीए माइक्रो की थ्योरिकल पार्ट है, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हमने आपको समझाया था कि रिकॉर्डिंग माइक्रो है क्या, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद कैसे उसको एडिट कर सकते हैं और कैसे उसको अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, और एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको बना के दिखाया गया था। यस करेक्ट। हाँ, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं, टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में। सबसे पहले चीज को जान लीजिए, टाइप ऑफ माइक्रो कि आपने माइक्रो डिक्लेयर किया, राइट, रिकॉर्ड ही करते हो, रिकॉर्डिंग ही ले लेते हैं, रिकॉर्ड जब करते हैं तो करते समय यहाँ पूछता है स्टोर माइक्रो इन दिस वर्क बुक, राइट, या फिर पर्सनल वर्क बुक बोलता है सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि माइक्रो का टाइप जो होता है सबसे पहला होता है पब्लिक, पब्लिक माइक्रो क्या होता है, अभी मैंने एक माइक्रो रिकॉर्ड किया, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर रिकॉर्ड या कोड ही कर दिया, कोड करने के बाद ये माइक्रो हम आपको भेजेंगे, माइक्रो ठीक है जी। तो ये माइक्रो वन जो आप देख रहे हैं ये क्या है, पब्लिक माइक्रो, क्योंकि ये फाइल अगर आपको ये फाइल हमारा है ये बुक वन जो है आपको मैं भेजूंगा तो आप भी इस फाइल को यूज कर पाओगे, करेक्ट ठीक है, इस माइक्रो को यूज कर पाओगे, मतलब जहां जहां ये फाइल जाएगी वो हर जगह आपका ये आपका क्या बोलते हैं इस माइक्रो को यूज कर सकता है, हर कोई यूज कर सकता है, जो फाइल को एक्सेस करेगा वो माइक्रो को भी एक्सेस करेगा। साथ ही अगर जब फाइल हमारी खुली हुई है और हम इसको किसी और फाइल पे भी रन कर सकते हैं, इसलिए इसको पब्लिक माइक्रो में बोला गया, क्योंकि इसकी जो कोडिंग होती है एक कोडिंग इसी के अंदर से ठीक है। दूसरा आपका आता है पर्सनल माइक्रो, पर्सनल माइक्रो पर्सनल माइक्रो जो आज से पर्सनल माइक्रो नहीं होता है, इसके अंदर में आता है आपका प्राइवेट माइक्रो, ठीक है, पर्सनल माइक्रो क्या होता है। अब पर्सनल माइक्रो की जरूरत क्यों पड़ती है इसको जानेंगे। पब्लिक माइक्रो जो आपका है वो क्या है, जहां जहां फाइल जाएगी उसके साथ जाएगा और दूसरी फाइल पे तभी रन करेगा जब आपका पहला फाइल जिस फाइल में माइक्रो सेव है ओपन हो, जैसे बुक वन है ना, तो अगर मैं बुक वन को क्लोज कर दूं तो आप दूसरे फाइल में इस माइक्रो को यूज नहीं कर सकते। इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, अब इससे प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, जैसे कुछ एक्सेल का, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन की तरह से पिवट टेबल है, इस तरह कुछ बनाना चाहते हो कि भाई आपके आपके ऑफिस मतलब कि एक्सेल का एक टूल्स बन जाए जो हर फाइल पे वर्क करे, समझे,
आपका पब्लिक मैटर तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने बनाया तो आपको पहले जिस फाइल में आपने बनाया है उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, तो करेक्ट. वहां पे आपका पर्सनल माइक्रो आता है। रिकॉर्ड करते समय आप जो है पर्सनल माइक्रो का अगर चूज करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करता है कि इसकी जो कोडिंग है ये किसी फाइल में नहीं, इसकी जो कोडिंग है इसके फाइल में नहीं, ऑफिस के लाइब्रेरी में सेव करता है, ताकि किसी भी फाइल को खोलेंगे आप नया पुराना तो आपको मैक्रो लिस्ट में आपका वो पर्सनल मैक्रो दिख जाए। ठीक है, पर्सनल मैक्रो के बाद आता है आपका इवेंट मैक्रो। जैसे कि आपने पर्सनल मैक्रो हो या पब्लिक मैक्रो हो, उसको जाके आपको ट्रिगर करना पड़ेगा, तब जाके आपका परफॉर्म हो करेगा, चाहे वो आप शॉर्टकट के थ्रू करें चाहे आप उसको बटन से करें. समझे सर। इवेंट मैक्रो क्या होता है, इवेंट मैक्रो होता है कि आपके किसी एक्शन पे आपका कोड परफॉर्म कर जाए, जैसे कि मैंने राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे व्यू कोड पे गया और मैंने इसमें बोल दिया वर्कशीट और सिलेक्शन चेंज, और यहाँ पे हमने दे दिया इफ सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। अब मैं जहां जहां कर्सर रखूंगा देखिए वहां का लाल हो जाए, कोड है कलर करने का, ये कब रन हो रहा है, जहां पे हम कहीं भी सिलेक्ट कर रहे हैं, ये आपका इवेंट मैक्रो प्रोग्रामिंग। जैसे आप कुछ ऐसा लगना चाहते हो कि फाइल ओपन होते ही यूजर फॉर्म आ जाए, सीट डिलीट होते ही कंफर्मेशन आ जाए, राइट क्लिक करते कुछ आ जाए, डबल क्लिक करते कुछ आ जाए, तो वहां पे हम इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है अनिल यादव जी, तो जी माइक्रो टाइप समझ लिए, माइक्रो का पब्लिक माइक्रो पहला है, दूसरा प्राइवेट माइक्रो है, प्राइवेट माइक्रो के पर्सनल माइक्रो इवेंट माइक्रो। पब्लिक माइक्रो फाइल के अंदर उसका कोड को सेव करता है, जहां जहां फाइल जाती है वहां वहां कोड जाता है, और जो जो फाइल एक्सेस करेगा कोड भी एक्सेस करेगा, आपको मैक्रो भी एक्सेस करेगा। ठीक है, करेक्ट. दूसरा अगर आप दूसरे फाइल में चाहो तो इसको रन कर सकते हो, लेकिन ये फाइल खोलनी पड़ेगी. ये फाइल खोलनी पड़ेगी, प्रोसेसर मैक्रो में ऐसा नहीं होता है, ये फाइल के ये आपका एप्लीकेशन का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, मैक्रो किसी फाइल या किसी फाइल का किसी एक पार्ट पे कुछ करने के बाद ऑटोमेटिकली रन हो जाए, जैसे मान लीजिए ना कि आपने गार्ड को तैनात किया कि भाई किसी को कोई आए तो देख के गोली चलाना, तो गार्ड के ऊपर डिपेंड करता है ना, यही चीज को आपने प्रोग्राम कर दिया कि भाई जैसे ही कोई दिखे मार दो गोली, तो वही चीज यहां पर होगा। ठीक है, ओके. मूवी देख रहा हूँ सर, वही टेक्निकल चीजें एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं, ये हो गए तो टाइप ऑफ मैक्रो के बारे में डिस्कस कर लिए, अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो, कि हम मैक्रो कोड की कोडिंग करें तो कहाँ करें, उसके लिए आपके पास डेवलपर टाइम होना चाहिए। डेवलपर टाइम में सबसे पहले आपको इस मैक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना होगा, माइक्रो सिक्योरिटी आपका अनेबल होना चाहिए, आपकी फाइल सेव होनी चाहिए डॉट एक्सएलएस एम फाइल में, तो चीज़ आई थिंक मैंने पहली क्लास से बता दिया था ना, करेक्ट करेक्ट. तो हम कोड करेंगे हम विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे,
इसको कहीं से लाना है, इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है, डेवलपर टैब में होता है। अगर डेवलपर टैब नहीं भी लाए तो इसका शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस आर, ठीक है, नहीं सॉरी अल्ट अल्ट इलेवन, अल्ट प्लस प्लस इलेवन, F11 अल्ट प्लस F11 प्रेस करते हैं आपके दिख जाएगा। तो इसमें दिखेगा, करेक्ट सबसे पहले आप देखिए जितने भी फाइल्स खुले हैं उस फाइल्स की लिस्ट आपको दिखेगा। करेक्ट तो जिस फाइल खुले हैं उसके लिस्ट, उस फाइल के अंदर सीट, जैसे कि बुक वन है, यहाँ पे देखिए डेटा शीट है तो इनके सीट है, ठीक है, ओके तो कोडिंग या ऊपर भी कर सकते हैं, इसके नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके ऊपर कोडिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर कोडिंग कर दिया तो ये आपके सीट वन के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। अगर किसी ने ओके को डिलीट कर दिया तो कोड भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस पर कोड क्या करेंगे, इसमें हम इवेंट मैपर प्रोग्रामिंग करते हैं, तो कोड करेंगे कहाँ, तो हम करेंगे मॉड्यूल्स में, ठीक है, मॉड्यूल्स के अंदर कोड करेंगे। तो मॉड्यूल्स के अंदर जो कोड होता है वो सेव कहाँ होता है, आपकी फाइल की प्रॉपर्टी में। अब बोलोगे सर यार दिस वर्कबुक भी तो है, तो इसमें भी इवेंट मैक्रो ही करते हैं। इसमें एक ही प्रॉब्लम यही नहीं होती है किसी ने सीट डिलीट कर दिया तो डिलीट हो जाएगा, इसमें भी होती है कि अगर हम एक सीट की कोडिंग को दूसरे सीट के साथ अगर कैप्चर करें तो वहां भी वो होता नहीं है। ओके कभी कभी आपने वीलुकअप में देखा हो, या वी कैन स्टार्ट हम आपको समझा रहे थे कि हम जो भी कोडिंग करते हैं मॉड्यूल्स पे करते हैं क्योंकि इसमें सेव होता है, राइट, और बाकी या कोडिंग करते हैं किसकी, इवेंट मैक्रो की। क्यों करते हैं, नॉर्मल मैक्रो कोडिंग क्यों नहीं करते, पब्लिक मैक्रो की प्रॉब्लम यही होता है आपका, यहाँ पे इसके डिलीट होने पे कोड डिलीट होने के चांसेस हैं, और साथ में अगर हमने एक दूसरे सीट से दूसरे सीट को अगर मैंने रेफरेंस में लिया तो उसमें एरर के चांसेस होते हैं। या इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हम मैक्रो लिखे कैसे, सबसे पहले मैक्रो का नाम डिक्लेयर करना है, यहाँ पे सब सब, या आप यहाँ पे पब्लिक सब भी लिख सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैक्रो का नाम लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा मैक्रो का नाम लिखने में एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कि मैक्रो का नाम में आप जो है एक मैक्रो के दो नाम का एक मैक्रो एक नहीं बना सकते एक फाइल में, पहली चीज। दूसरी, यूनिक आप 3 डिजिट में अल्फा न्यूमेरिक नहीं दे सकते, जैसे हमने लिख दिया राज 1, ये नाम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इस नाम का आप देखेंगे आपके पास ऑलरेडी रेफरेंस है, वो जैसे इसको रन करने के लिए जाएंगे ना तो रन ही नहीं दे रहा, हो रहा है वो, समझ रहा है कि राजवन रेफरेंस है। ओके तो 3 डिजिट, क्योंकि आपका ये नंबर 3 डिजिट का होता है, एक्स 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 एफ 3 अल्फाबेटिक होता है, तो 3 अल्फाबेटिक या नंबर्स को यूज ना करें, कभी करना पड़े तो उनके बीच में सेपरेटर अंडरस्कोर लगाएं। अब अंडरस्कोर क्यों लगाएं, अब इसमें आप स्पेस नहीं लगा सकते, डॉट नहीं लगा सकते, डैश नहीं लगा सकते, एक्सेप्ट नहीं करेगा, अंडरस्कोर जो है आपका ले लेगा। ओके तो मैक्रो नेम डिफाइन करते हैं, अब लिखिएगा, अब आपने जो पब्लिक सब, या पब्लिक तो बहुत लोग, बहुत कम लोग लिखते हैं, सिर्फ डायरेक्ट सब लिखते हैं, सब और एंड सब के बीच में जो भी हम कोड लिखना है वो हम लिखेंगे, कोड हो,
इसमें आपके पास मेनली चार कोड होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा वर्क बुक्स, तीसरा होता है शीट्स एंड चौथा होता है रोहित। स्पीच होता है ना सर, इंग्लिश में आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच देखते होंगे, तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपने देखा होगा कि हमारे पास जो ये है वर्ड्स होते हैं, तो हमें जानते हैं कि नाउन से स्टार्ट हो, नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो, वैसे हमारा मोस्टली वर्ड इन चारों में से एक से स्टार्ट होगा। और डिपेंड करेगा, जैसे आपका अगर एकदम करता है कि भी एप्लीकेशन होना चाहिए, नहीं आपका आपका एकदम आपका जो मैंने जो आप लाइन कोड ऑफ लाइन है आपका, वो कह रहा है कि अब जो उसकी जो इफेक्ट है वो आपका एप्लीकेशन कर रहा है, तो एप्लीकेशन लेंगे। वर्कबुक में किया तो वर्कबुक लेंगे, शीट्स में किया तो शीट्स लेंगे, रेंज लिया तो रेंज, जैसे कि शीट्स डॉट ऐड शीट्स इफेक्ट कर रहा है, वर्कबुक डॉट ऐड बुक डॉट सेव वर्कबुक कर रहा है, और सीट डॉट रेंज में कॉपी किया पेस्ट किया रेंज पे होता है, तो हम रेंज को लेंगे। क्लियर है? तो बेसिकली हमारे पास ये मेनली चार टाइप के ही कोड बनेंगे, मतलब कि मोस्टली कोड आपके इन्हीं चारों के वर्ड में से स्टार्ट होगा। इन चारों के भी कुछ पर्यायवाची शब्द है, ओके तो ओके इन चारों में से ही चलेगा। ओके ठीक है, तो ये चार ही मेन हो गए, ये मैं बता रहा था। ओके ठीक है, ठीक अब बात होती है कि हम कोडिंग स्टार्ट कैसे करें। तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको लिखना होगा एल्गोरिदम। एल्गो जैसे मान लीजिए कि मुझे एक छोटा सा बता रहा हूँ एग्जाम्पल, कि मुझे नेम यहाँ नेम लिखना है, यहाँ रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे मार्क्स लिखना है। ठीक है, तो आप जैसे कि कोड आपको चले तो छोटा सा कोड समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या क्या करना है क्या क्या करना है, लेकिन किसी और ने बताया तो कैसे याद रखोगे? तो पहले उसके लिए हम एक प्रोफॉर्मा तैयार करते हैं, जिसे स्टार्ट हम लिखते हैं सिलेक्ट ए वन बारीकी के साथ, सिलेक्ट वी वन, एंटर रोल, सिलेक्ट सी वन, एंटर मार्क्स। समझ गए? अब लोग से इसकी जरूरत क्या है, हम वैसे लिख लेंगे इसको। मान लीजिए कि मैंने आपको एक मैक्रो बताया कि मुझे एक फाइल है उसमें ये करना है, मुझे यहाँ पे कॉपी करना है, वहां से पेस्ट करना है, यहाँ पे पिवट लगाना है, चार्ट देना है, ये कलर करना है, ऐसे आपको मैं तकरीबन 100 से 150 स्टेप बता दिया, तो क्या 150 स्टेप आपको याद रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम लिख लेंगे। और दूसरे स्टेप का सीक्वेंस, जैसे यहाँ पे देखिए एंटर नेम और सिलेक्ट ए वन, इसका सीक्वेंस होना चाहिए। हमने पहले एंटर ए नेम डाल एंटर नेम कर दिया, बाद में ए वन सिलेक्ट करवाया, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, आगे पीछे हो पीछे जाएगा। हो जाएगा, तो सीक्वेंस होना चाहिए, तो ए एकदम होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट। आप नोट पैड पे करेंगे। तो अभी आपका काम क्या है कि आप ऑफिस में जितने भी फाइल्स बनाते हैं उन फाइल एक एल्गोरिथम बनाइए नोटपैड पे, मतलब कि पेन और पेंसिल से, और उसकी फोटो खींच के मैं सीक्वेंस देखूंगा कि सीक्वेंस क्या है। कि आप दो सीक्वेंस इकट्ठे नहीं लिख रहे हैं, तो मैं आपको समझा दूंगा कि ये गलत किया आपने। ठीक है, एक ये करके मुझे भेजिए, कल से हम आपकी कोड कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एल्गोरिदम ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फिर मैं, है, क्योंकि एल्गोरिदम धीरे जब एकदम लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि भाई एक, क्योंकि बीवीए क्या करता है, एक लाइन एक कोड, मतलब एक काम के लिए एक ही लाइन चाहिए। जैसे आपने बोला कॉपी करना है,
तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर जहां पेस्ट करना है वहां सेलेक्ट करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे, तो 4 लाइन होनी चाहिए, समझ गया ना? तो जैसे जैसे माउस इवेंट करते हैं उस तरह से होना चाहिए। तो ये चीज आप मुझे करके भेजिए, और एल्गोरिथम जितना अच्छा होगा उतना ही फास्ट, उतना ही कम एरर वाला माइक्रो आपका डिफाइन होगा। ओके।